उद्योगपति राहुल बजाज का आज निधन हो गया। राहुल बजाज भारत के सबसे सफल उद्योगपतियों में से एक से हैं थे। वे बजाज समूह के अध्यक्ष थे। 10 जून 1938 को बंगाल प्रेसिडेंसी में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कैथेड्रल एम जॉन कॉनन स्कूल से प्राप्त की थी। उन्होंने दिल्ली के सेंट फ्रांसिस कॉलेज से अर्थशास्त्र की डिग्री ली और बम्बई विद्यालय से कानून की डिग्री ली। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA किया। उसके बाद उन्होंने 1965 में बजाज समूह की बागडोर संभाली। उनके नेतृत्व में बजाज समूह ने सफलता के नए आयाम स्थापित किए। समूह के चेतक ब्रांड स्कूटर की मांग इतनी ज़्यादा थी कि इसके लिए 10 साल तक का वेटिंग पीरियड था। राहुल कई कंपनियों के बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। आर्थिक क्षेत्र और उद्योग दुनिया में उनके योगदान के लिए उन्हें भारतीय संसद के उस सदन के लिए भी चुना गया। 1990 के आर्थिक उदारीकरण की नीति के कारण बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ी, जिससे स्कूटर की बिक्री घटने लगी। लोग मोटरसाइकिलों को पसंद करने लगे। उसके बाद राहुल बजाज ने अपनी नीति में परिवर्तन किया और बजाज पल्सर और बजाज डिस्कवर जैसे ब्रांड स्थापित किए। आपको बता दें कि राहुल बजाज का नाम पंडित नेहरू ने रखा था। फिलहाल बजाज ग्रुप की कमान उनके बेटों संजीव बजाज और राजीव बजाज के हाथ में है।